नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय मैं लार विधानसभा क्षेत्र के बॉयज स्कूल में हूँ, जहाँ पर आज वृक्षारोपण एवं साइकिल वितरण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ पर चीफ गेस्ट मध्य प्रदेश इफको के डायरेक्टर डॉक्टर अमित प्रताप सिंह जी और उनके साथ पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी उमाशंकर खरे जी हमारे साथ जुड़ेंगे और लाहौर नगर पंचायत अध्यक्ष चक्कूलाल वर्मा जी। आज के दिन हम ये कहेंगे कि यहाँ की प्राचार्य जी ने स्वानी में सुहागा कर दिया, क्योंकि बाहर इतना गर्मी है और आजकल बिना वृक्ष के ना तो खाना है, ना पहनना है, ना उड़ना, ना पानी है। पानी, खाना पीना सभी वृक्षों से होता है। यतः पानी बेल लगाना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत शोभनीय कर रहा है। बहुत अच्छा, उत्कृष्ट प्राचार्य जी, धन्यवाद। और हम ये कहेंगे इफको के डायरेक्टर साहब ने इतना समय इस गर्मी में निकाला, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम सब स्टाफ की ओर से आभार प्रकट करते हैं। लाहौर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, मध्य प्रदेश में इस समय देखा जा रहा है सामान्य प्रशासन मंत्री टॉप 10 लिस्ट में है, टॉप लिस्ट में आए हैं उनके छमाई परीक्षा को देखते हुए। अरे सरकार उनका क्या, हमारे मंत्री जी तो क्या कहें, लोग वहाँ बहुत पीछे थी। पहले मंत्री से बात हुई थी तो शिवराज सिंह ने उनको बहुत ताना डाला कि चाय पीने आओ, चाय पीने आओ, लेकिन वो नहीं गए। और अभी ये हुआ, उन्होंने जो सत्य परीक्षण होने लगा कांग्रेस का, तब उन्होंने अपने पता नहीं कैसे उनके खुद एक बीजेपी के विधायक उनके पक्ष में आए और दो विधायक आकर के वोट दिए। तो डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं, संसदीय सदस्य हैं, और आजकल उनकी सभाएँ, उनका उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उनकी हम जितनी कम प्रशंसा करें बहुत कम है, बहुत कम है। आज बॉयज स्कूल में आज बाउंड्री वाल की मांग की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? ये बाउंड्री वाल की मांग हम लोग तो लगातार विगत वर्षों से करते रहे, जब से यहाँ स्कूल प्रधान आया तब से ही मांग कर रहे हैं। उस समय डॉक्टर साहब का कर देंगे धीमे धीमे, आप एकदम क्यों सब मांग कर रहे हैं। लेकिन आज उनके पुत्र कहे या डायरेक्टर इफको कहे, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि हाँ आपकी बाउंड्री विगत दो वर्षों के अंदर तैयार हो जाएगी और मैं समझता हूँ अगले वर्ष भी कार्य शुरू हो जाएगा।